गाइज यार काफी दिनों के बाद मैं छुट्टी मनाने के लिए होटल में आया हूँ। अब एक हफ्ता यहाँ पर शांति से रहूंगा। एक मिनट, ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई, यहाँ पर तो पार्टी चल रही है। और सच्ची बताओ तो इन सबको देख के मेरा भी मन नाचने का कर रहा है। जल्दी जल्दी जाता है यार, यही से शॉर्टकट मार लेता हूँ। वैसे भी मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा है, मौज चालू है सबकी। कोई नहीं गाइज, अभी अपनी बारी है। अरे दीदी, क्या आप मेरे साथ नाचोगी? और ये जगह अपने लिए ठीक रहेगी। गाइज क्या मजा आ रहा है यार, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद नाच रहा हूँ। अब यार शांति नहीं है। अब पता नहीं किसका फोन आ रहा है। टोनी डूड, मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आना होगा, एक गड़बड़ हो गई है। अरे पर क्या? तुम पहले यहाँ पर पहुँचो। ठीक है, इससे अच्छा तो फोन भी घर पर ही छोड़ के आ जाता। अब बात कर लिए तो जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा भी क्या हुआ होगा, इतनी टेंशन में बात क्यों कर रहा था वो। जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकलते हैं यहाँ से। चलो एक बात तो फिक्स हो गई, अगली बार जब भी बाहर घूमने जाऊंगा तो फोन घर पर ही छोड़ कर जाऊंगा, वरना तो ऐसे मैं कभी भी छुट्टियां मना ही नहीं पाऊंगा यार। आज मैं कितना खुश था, सुबह से मस्त लेट तक सो के उठा, उसके बाद पार्टी में गए और फिर हो गया कल्याण। तो गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीएल शुरू हो चुके हैं, तो इस बार खाली आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि उस पे अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी लोटस 365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन टॉस। ऐसे ही 50 प्लस तरह के क्वेश्चन में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर करिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ पर आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। उसी के साथ यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा है 200 प्लस क्वेश्चंस, जहाँ पर आप अपने ओपिनियन दे सकते हो और जीत सकते हो अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे और लिंक पिन कमेंट बॉक्स में। चलो फाइनली पहुंचे तो सही, एक तो होटल से इसका घर का रास्ता बहुत ज्यादा ही लंबा है। अब जाकर पता करते हैं आखिर में इसको प्रॉब्लम क्या है। तो नहीं कहाँ पर है ये रहा, बता भाई क्यों बुलाया है मुझे, और कभी कभार किसी और को भी कॉल कर लिया कर, लाउड है मेगा है, वो सब लोग बिजी है। अरे वो सब छोड़ो और ये सुनो, मेरे स्पाइडरमैन के सूट किसी ने चुरा लिए है और उसने वो सूट शॉकर और आर्थर को बेच दिए है। मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ, प्लीज जाके वो सूट ले आओ। अच्छा ठीक है। ओ भाई, अबे यार बोल के तो भेज, मुझे नहीं पता था ऐसे तुरंत, मतलब एकदम तुरंत भेजेगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत कपड़े गंदे हुए है। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन का सूट कहाँ होगा? बुरा गाइस स्पाइडरमैन का सूट। चलो एक सूट तो दिख गया। और एक मिनट, ये दीदी को ऐसे उल्टा क्यों लटका के रखा है, और नीचे तो एलिगेटर है। अब इसको बचाऊ के सूट को बचाऊ? गाइस हमें पहले सूट को लेना होगा वरना दीदी को तो बचा नहीं पाएंगे। ओ भाई भाई, यहाँ पर तो गुंडों की फौज खड़ी है, सबसे पहले तो इनको निपटाना होगा। और गाइस ये गया, चलो इसका हथियार हमारे पास आ चुका है, मतलब के गन। अब बताते इन सबको, चलो भाई तैयार हो जाओ, लाइन से सबको टपकाऊंगा। गाइस ये गया पहला, दूसरा, तीसरा। ओ ये बीच में स्किप हो गया था, ये तो सीधा लंगड़ा ही हो गया। थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके जाना होगा, और लोग तो धड़ाधड़ गोलियां मारी रहे। नहीं नहीं उठना नहीं। और अरे अरे तीनों के तीनों जिंदा थे। चलो कोई बात नहीं, चलो गाइस सूट के पास तो पहुंच गए, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा नहीं तो दीदी को मगरमच्छ का नाश्ता बनते टाइम नहीं लगेगा। अब ये सूट पहन के काम हो सकता है। देखो गाइस मैं ट्राई तो कर लूं पर मुझे पता नहीं कि सूट में पावर है भी या नहीं, टोनी से पूछता हूं। टोनी यार ये सूट नल लायक है, इसके अंदर कोई पावर वगैरह है? नहीं नहीं इसके अंदर पावर है, तुम चाहे तो टेस्ट करके देख लो। चलो दीदी तैयार हो जाओ। और ये आखिरकार बचा लिया, आप ठीक तो ना? हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो डरी गई थी। अरे यार जब स्पाइडरमैन है साथ तो डरने की क्या बात। हाँ हाँ ठीक है, अभी ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। हे तुम मेरे सूट के साथ क्या कर रहे हो, चोर कहीं के? एक मिनट, शॉकर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ भाई सुन, ये सूट तेरा नहीं है, ये टोनी का है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस सूट को खरीदा था, वो भी पूरे पैसे दे के। अच्छा ठीक है चल, बस इतना बता दे कि ये सूट तेरे को बेचा किसने था। तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला, और वैसे भी जानकर क्या करेगा, क्योंकि तू यहाँ से वापस तो जा नहीं सकता। गाइस इसने तो मारना ही शुरू कर दिया, तो ये था इसका मतलब। मुझे लगा था खाली सूट लेके नहीं जा सकता। ओ अबे रुक जा रुक जा, दिमाग खराब हो गया यार, ये बंदा तो सनका हुआ है, रुक ही नहीं रहा है। इसको ना थोड़ा मजा तो चकाना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसे हमारे साथ गुल्ली डंडा खेलता रहेगा। उठ जल्दी से उठ, बिना वेब के स्विंग कर रहा हूँ मैं तो। एक बार मौका मिलने दो फिर इसका सारा शौक निकालता हूँ मैं। तेरी तो ये ले, क्या उठा के फेंका है। अभी ये तो खड़ा है, अब गिरेगा। ओ अपने गिर गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक और बार स्पाइडरमैन से नो पंगा, और ये ले लात खा। क्या मारा इसको, ये बीच बीच में रोक लेता है यार, पर हम लोग ऐसे थोड़ी ना रुकने वाले है, इसको पहले यही पर जाम कर देते हैं। अबे यार वेब तोड़ के आ गया। कोई नहीं आ जा ये ले। और अबे नहीं 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 फिर से नहीं यार, अभी तो नहीं उठना चाहिए। अबे नहीं नहीं ये तो पीछे से आ गया। फिर से हमारे पास बहुत सारे गैजेट है।
मुझे तो लगा था ये सूट नल्ला होगा, पर इसने तो इसकी बैंड बजा दी है, अब नहीं उठेगा ये यहाँ से। टोनी मुझे दूसरी जगह भेज, पहला सूट तो ले लिया है मैंने। चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ओ भाई भाई भाई, सीधा उतार लिया कर यार कहीं पर, ऐसे फेंका मत कर। अब ये कौन है, इसको तो पहली बार देख रहा हूँ यार। टोनी ये दुश्मन है या दोस्त है? चिंता मत करो डूड, ये हमारा ही साथी है, इसका नाम मून नाइट है, ये तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता है। लग तो काफी अलग सा रहा है। हाँ तो मून नाइट तुम मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ पर किसी ने स्पाइडरमैन का सूट खरीदा है और मुझे जाके वो सूट लेना है। हाँ मैं कर सकता हूँ, और मुझे पता है वो सूट किसने लिया है, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम इससे इतनी आसानी से सूट नहीं ले पाओगे। अरे वो सब देखा जाएगा, पर वो है कौन और तुम उसे जानते हो? हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास भी ले जा सकता हूँ। आर्थर वो सूट म्यूजियम में लेके गया है ताकि उस सूट के पावर सोर्स की मदद से वो अपने पूर्वज को जिंदा कर सके। पर एक और प्रॉब्लम है, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले हैं, आर्थर ने इन सब का माइंड वॉश कर लिया है। अरे यार अब ये क्या मुसीबत है, देख जो कुछ हो जाए अंदर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि सूट वहाँ पर है। रुको पहले मुझे कंफर्म करने दो कि आर्थर वहाँ पर है या नहीं। अरे पर तुम किससे कंफर्म करोगे, यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम उसे नहीं देख सकते, पर मैं देख सकता हूँ, उसका नाम कॉन्शु है, उसे सब पता होता है। कॉन्शु मेरी बात सुनो, हमें पता करके दो कि आर्थर अंदर है या नहीं। अच्छा ठीक है। गाइस यार ये कैसी अजीब सी आवाज थी। स्पाइडरमैन मेरी बात सुनो, हमें उसके बारे में पता चल चुका है, आर्थर अंदर ही है पर सूट के पास नहीं है, वो म्यूजियम के दूसरे कोने में है, शायद तैयारी शुरू करने वाला होगा, ये सही टाइम है अंदर जाने का, इनसे लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो चलो चलते हैं। ये हुई ना बात। गाइस यार अभी जाके इनको मजा चखाते हैं। आ जा मून नाइट, वैसे अकेले मेरी थोड़ी फट भी रही है। वो रहे गाइस, चलो मून नाइट तो चालू हो गया। यहाँ तो और भी मिलिट्री वाले आ गए। मून नाइट ने तो अपना काम बहुत आसान कर दिया है, ये देखो इसको मारने आया उससे पहले तो इसने घसीट दिया। तेरी तो ये ले, थोड़े बहुत को तो मैं भी टपकाऊ। और ये आया मैं। नहीं नहीं गोली नहीं मारते, गोली नहीं मारते, गलत बात है। ठीक है ले मार ले, कितना मार सकता है। अब मेरी बारी। एक देखो यहाँ पर भी है और ये गया। अरे नहीं 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 दादा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे क्योंकि इनको अभी पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सब बस आर्थर की बात मान रहे, ये सब उसके काबू में। चलो चलो यहाँ पर भी एक है और तेरी तो ये। गाइस यार मजा आ गया। मून नाइट हमें देर हो जाएगी, तू बाहर का संभाल, मैं अंदर जाके सूट को देखता हूँ। गाइस यार हम लोग और नहीं रुक सकते, हमें अंदर जाना ही होगा। ये रहा म्यूजियम में अंदर जाने का रास्ता, अब हमें जाके बस वो सूट ढूंढना है। एक मिनट ये क्या, अबे यार यहाँ तो और भी सोल्जर्स है, ये लोग यहाँ पर पहरेदारी कर रहे ना, इसका मतलब सूट ऊपर साइड है, तो इनको तो निपटाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर छुप के कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारी तो मैं ये लो, और ये तो गुंडे लग रहे हैं, सोल्जर्स नहीं है। और ये भी गया, यहाँ पर भी एक है, इनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। एक एक करके मैंने सबको धाराशाही कर दिया। चलो गाइस ये रहा सूट, चलो आखिरकार हमें मिल ही गया, अब जल्दी से जाके पहन लेते हैं। अबे नहीं यार ये क्या मुसीबत है, मून नाइट तो पकड़ा गया। मुझे लगता है यही आर्थर है। देख आर्थर मेरी बात सुन, मुझे पता तूने सूट खरीदा था, पर ये सूट तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हें इसके पैसे दिलवा दूंगा, तुम मून नाइट को छोड़ दो। नहीं मैं मून नाइट को नहीं छोड़ने वाला, तुम लोगों ने मेरा सूट चुरा के बहुत बड़ी गलती की है। गाइस वो उसे कहां पर लेके गया अभी, मून नाइट आर्थर अभी ये आया। ओहो अबे यार ये तो मुझे नॉर्मल लग रहा था, पर ये तो अपनी बैंड बजा रहा है। फिर से नहीं, देखना गाइस इसको भी चक्कर आते हैं। ये तो बराबर नहीं एकदम बराबर मार रहा है, पर कोई बात नहीं हमारी भी बारी आएगी, जैसे शॉकर की वाट लगाई थी इसकी भी वाट लगेगी। एक बार बस उठने दे मुझे, फिर बताता हूँ इसको। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे अंदर बहुत सी मायावी ताकत है। कोई नहीं यार वो ताकत भी निकालूंगा ना मैं। गाइस यार इस सूट में कुछ तो पावर होगी। अबे यार ये मौका दे तो पता करू ना। आ रहा है। अबे यार अबे रुक जा यार, थोड़ी देर तो रुक जा, अभी तो सूट पहना था यार, अब बताऊंगा इसको। तेरी तो सॉरी अब ये ले। कभी कभी हो जाती है गड़बड़, पावर पता करने में थोड़ी सी टाइम लग गया, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया। ये देखो फिर से आया। अबे नहीं नहीं छोड़। चलो खड़े हो गए भाई साहब, यार इसमें मारना पड़ेगा, पावर तो बहुत है। कहा गया यार अभी तो यही पर था। बुरा मौका नहीं देना है। और ये पीठ पे लात, पीठ पे छुरी तो सुना था, हम पहले होंगे जिसने लात मारी है। और ये गया, कैसा पुतला बन गया ना। गाइस मुझे लगता है हम लोग जीतने वाले हैं। और ये ले, हिल तो नहीं रहा है, लगता है चाचा गए, फिलहाल के लिए तो हरा लिया है। और हमें दूसरा सूट भी मिल चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अगली बार जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो गाइस फाइनली हम दोनों सूट ले आए। ये ले टोनी तेरे दोनों सूट, बहुत मुश्किल से हाथ में लगे यार। मैं तो बोलता हूँ आर्थर को और शॉकर को थोड़े पैसे भेज देना, बेचारों ने सूट के पैसे तो दिए ही थे, ऊपर से उनको अलग मरम पट्टी भी करानी पड़ेगी ना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डूड, और टेंशन मत लो मैं उन्हें उनके पैसे भेज दूंगा, पर हमें ये नहीं पता चला कि वो सूट चुराए किसने।
पूछने थे। एक मिनट रुक, तो ये क्या चल रहा है टीवी पर? चैन से सोना है तो जाग जाओ। हम करते थे अवेंजर पर भरोसा, पर ऐसा लग रहा है कि उनमें से एक पागल हो गया है। स्पाइडरमैन तबाही पे तबाही मचा रहा है। अबे यार टोनी, ये क्या है? तूने बोला था दो ही सूट चुराए, ये तीसरा कहाँ से आया? तुझे पता तो है ना कि तीसरा भी चोरी हुआ है? मैं तुम्हें सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने जाकर देखा था तो वहाँ पर बस दो सूट नहीं थे। ये तीसरा कब चोरी हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर तुम्हें वो सूट भी जाकर लेके आना होगा। अरे यार, मुझे लगा था यार मेरा काम पूरा हो गया, मेरी जिंदगी इसी में जाएगी। चल मैं एक सूट लेके जा रहा हूँ इनमें से, मुझे जरूरत पड़ेगी। जब वो सूट लेके आऊंगा तो दोनों साथ में छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। ओ भाई, फिर से क्यों? अबे यार, इसने तो एकदम नजदीकी उतार दिया। एकदम चुप चुप के चलते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने ही है जिसने स्पाइडरमैन का सूट लिया था। मुझे लगता है ये सूट भी किसी और को बेचा गया है, ये चोर ने तो नहीं पहना हो सकता, क्योंकि ये तो खुद बैंक जा रहा है चोरी करने। हमें जाके उसे रोकना चाहिए। अबे नहीं, ये तो लोगों को मार रहा है। कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगा। चलो रास्ता साफ हुआ। गाइस यार, इसने तो बहुत लोगों की जान ले ली, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। अब छुप कर देखता हूँ, फिलहाल मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। और अंदर की बात अलग है, क्योंकि जब तक मुझे पता चला इसने सबको मार ही दिया था, और वैसे भी वो सब तो हो चुका है। और अगर अभी मैंने इसको पता चलने दे दिया कि मैं इसके पीछे हूँ, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें इसका पीछा करना होगा, ताकि ये चीज तो पता चले कि ये सब करवा कौन रहा है। यहाँ पर एक बाइक है, वो तो अपनी गाड़ी लेके चला गया, हमें उसके पीछे जाना होगा। कहा गया राइट लिया रहेगा या लेफ्ट? ये रहा गाइस। अबे यार, ये बीच बीच में इतना स्पीड क्यों चला रहा है? कोई नहीं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अबे पागल वागल है क्या, क्या टर्न ले रहा है? आप लोगों ने देखा? ओ नहीं, यहाँ कहाँ जा रहा है? अबे भाई यार, ये तो सही में सनका हुआ है। चलो कोई नहीं, अभी भी मैं उसके काफी नजदीक ही हूँ। ये तो यहाँ पर रुक गया गाइस। जल्दी से बाइक से उतरता हूँ और यहाँ पर छुप के देखता हूँ, पता तो चले कि आखिर में है कौन। एक मिनट यार, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, ये तो मिस्टीरियो है। तुमने मेरा काम किया जो मैंने तुम्हें करने कहा था। हाँ, ये रहा तुम्हारा सूट, चलो मैं चलता हूँ। गाइस यार, चोर तो चला गया। चोर नहीं, मतलब जिसने इसको सूट ला कर दिया है। एक मिनट स्पाइडरमैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सूट तुम्हें कैसे मिला? ये तो मैंने चोरी कर लिया था। चोरी किया था पर अब मुझे मिल गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। अबे यार भाग गया। चलो यार गाइस, कोई बात नहीं, वो भले गया, अपने को तो सूट मिल गया ना। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और अगर आपको मेरी पर्सनल आईडी चाहिए तो ये रही जो स्क्रीन पर आ रही है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में सब्सक्राइब कर लेना हमारे शॉर्ट चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।